हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स डिस्कस। और आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के क्रियाकलाप नंबर 70 की बात कर रहे हैं, जो कि है थर्ड क्लास से फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्रियाकलाप की डेट जो है वो है 24 सितंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद बच्चे आप अपने यहाँ पे क्लास और अपना भाग लिखेंगे, उसके बाद आप अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेसेस वी गो टू, ऑब्जर्व द बिल्डिंग्स प्लेसेस गिवन इन द पिक्चर्स बिलो एंड राइट डाउन देयर नेम्स। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इमारतों या जगहों के नाम लिखिए। तो जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, सबसे पहले जो पिक्चर है इसमें एक बेकर्स और एक बुक शॉप है। उसके बाद दूसरे पिक्चर में यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, पेट्रोल पंप है, जहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल या CNG भरवाते हैं। थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे हॉस्पिटल का एक साइन भी है। और यहाँ पे क्या होता है, हम अब किसी भी बीमारी का इलाज करवाते हैं। चौथे पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक प्लेग्राउंड है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो हम इसे पार्क भी कह सकते हैं और प्लेग्राउंड भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 प्लेसेस वेयर यू गो विद योर फैमिली। ऐसी 4 जगहों के नाम लिखिए जहाँ आप अपने परिवार के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी पसंदीदा 4 जगहों के नाम लिख सकते हैं जहाँ आप अपने फैमिली के साथ जाते हैं, जहाँ आप अपने पेरेंट्स अपने सिबलिंग्स के साथ जाते हैं। तो चलिए फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में है, आप अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे 4 जगहों पे जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो सबसे पहली जगह है पार्क, दूसरी जगह है रेस्टोरेंट, तीसरी जगह है टेंपल और फोर्थ प्लेस है आइसक्रीम पार्लर, जहाँ से आप बहुत टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम खा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ, आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, अ प्लेस वेयर वी गो टू वॉच मूवीज। यहाँ हम सिनेमा देखने जाते हैं। तो बच्चों हम कहाँ सिनेमा देखने जाते हैं, तो हम सिनेमा देखते हैं मूवी थिएटर में। हम मूवीज़ कहाँ देखते हैं, मूवी थिएटर में। चलिए सेकंड है, अ प्लेस वेयर वी गो टू रिपोर्ट थेप्स, यहाँ हम चोरी की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। तो चोरी की रिपोर्ट लिखवाने हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं। अ प्लेस वेयर वी गो व्हेन वी फॉल इल, यहाँ हम बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं। तो जब भी हमें कोई बीमारी होती है, जब हमें फीवर होता है, कोल्ड होता है, तो हम मेडिसिन लेने या डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए कहाँ जाते हैं, तो हम सबसे पहले जाते हैं हॉस्पिटल। तो चलिए आगे देखते हैं। अ प्लेस वेयर वी गो टू प्रे, यहाँ हम प्रार्थना करने जाते हैं। तो हम कहाँ पे प्रार्थना करते हैं, तो हम मंदिर जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर वी गो टू बोर्ड अ ट्रेन, यहाँ से हम ट्रेन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कहीं भी जाने के लिए कहाँ से ट्रेन लेते हैं, आप लेते हैं रेलवे स्टेशन से, जहाँ बहुत सारी क्या होती हैं, रेल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। अ प्लेस वेयर वी गो टू डिपॉजिट मनी, यहाँ हम पैसे जमा करवाते हैं। तो ये जगह है बैंक। आप देखते होंगे, आप अपने फादर के साथ या अपने मदर के साथ कभी बैंक गए भी होंगे, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, या तो पैसे जमा करवाते हैं या तो पैसे निकालते हैं। तो अगर हम पैसे जमा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट, और अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं, विदड्रॉ। चलिए आगे देखते हैं। अ प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी, यहाँ हम पढ़ने जाते हैं। तो बच्चों ये तो आपकी सबसे फेवरेट जगह होनी चाहिए। तो आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, हम पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में।
वैसे हम पढ़ने ही नहीं, हम यहाँ पे बहुत सारे गेम्स एक्टिविटीज़ भी करने जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय पोस्टेज स्टैम्प, यहाँ हम डाक टिकट खरीदने जाते हैं। तो डाक टिकट या पोस्टेज स्टैम्प खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे बच्चों? हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी जगह प्लेसेस के नाम देखे जहाँ हम अक्सर जाते हैं, और अगर इसमें से कहीं आप नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाएंगे। तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं नाउन। तो बच्चों अभी आपने ऊपर जितने भी प्लेसेस के नाम पढ़े वो प्लेसेस के नाम क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं नाउन। नाउन नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ समथिंग एज अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। तो नाउन नाउन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? कि नाउन एक शब्द है जो किसी का भी नाम, वो कौन से नाम, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का या जगह का नाम हो सकता है, और या किसी भी थिंग, कोई भी चीज़ों का नाम हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, तो यहाँ पे है, ये एक लड़का है और इसका नाम है जॉन। तो इसका नाम क्या है? जॉन। तो जॉन भी क्या है? एक नाउन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये क्या है? आगरा। आपको पता है ताजमहल दिख रहा है आपको, ताजमहल कहाँ होता है? आगरा में। तो आगरा भी क्या है? एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? नाउन। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बैट बॉल। तो बैट बॉल क्या है? एक थिंग है, एक चीज है, एक सामान है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? नाउन। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपने आज यहाँ पे नाउन के बारे में पढ़ा, और नाउन में भी स्पेशली जितने प्लेसेस होते हैं आपने आज उनके बारे में पढ़ा। तो आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।